कोरोना वायरस एक महामारी थी। साल 2020 में आई इस महामारी ने करीब 2 साल तक पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस बीमारी के घाव तो समय के साथ भरने लगे हैं, लेकिन इसके बाद शुरू हुई दूसरी महामारी ने नौकरी पेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। ये महामारी है छटनी यानी कट ऑफ। पहले कोरोना संकट और फिर यूक्रेन और रूस के युद्ध ने दुनिया भर में ढेरों नौकरियां खाली छीन ली। फाइनेंस सेक्टर से लेकर आईटी सेक्टर तक और नए नए उपजे स्टार्टअप सेक्टर तक हर ओर छटनियों की बाढ़ आ रही है। पहली तारीख की सैलरी पर आश्रित कर्मचारी को अचानक एचआर पिंक स्लिप थमा देता है। एक बार सैलरी रुकी तो कार या होम लोन की ईएमआई से लेकर बच्चों के स्कूल की फीस और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तक सब कुछ बंद। ऐसी ही गंभीर स्थितियों से मुकाबला करने के लिए बीमा बाजार में एक जॉब इंश्योरेंस प्लान उपलब्ध है। आपकी नौकरी अगर जाती है तो जॉब लॉस इंश्योरेंस आपको आर्थिक संकट से बचा सकता है। भारत में ऐसी कई इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो नौकरी जाने पर आपको इंश्योरेंस कवर क्लेम देती हैं। तो बताती हूं आपको कि जॉब लॉस इंश्योरेंस होता क्या है और कौन इसे क्लेम कर सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये आपके लिए कितना लाभप्रद है, यानी कि कितना फायदेमंद है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर। दरअसल जॉब लॉस इंश्योरेंस कोई अलग इंश्योरेंस नहीं है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अलग से यानी कि स्टैंड अलोन जॉब लॉस इंश्योरेंस जो है वो ऑफर नहीं करती है। जो भी कंपनी जॉब लॉस के नाम से प्लान नहीं बेचते, लेकिन बाजार में ऐसे प्लान होते हैं जो जॉब लॉस में मदद जरूर करते हैं। आप आमतौर पर इसे होम लोन के साथ या किसी क्रिटिकल इलनेस या पर्सनल एक्सीडेंट कवर के साथ ले सकते हैं। एक तरह से ये एड ऑन कवर होता है जो अन्य इंश्योरेंस के साथ लिया जाता है। अगर आप होम लोन के साथ इस सुविधा को, इस फैसिलिटी को लेते हैं तो इंश्योरेंस की मदद से आपकी 3 महीने की ईएमआई चुकाई जाती है। ये सुविधा एक तरह से नौकरी जाने पर आय के विकल्प यानी ऑप्शन के तौर पर काम करती है। भारत में जॉब लॉस इंश्योरेंस ज्यादा प्रचलित नहीं है, इतना ज्यादा फेमस नहीं है। इस समय 3 प्रमुख कंपनियां जॉब लॉस इंश्योरेंस जैसा कवरेज देती हैं। इसमें आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड का सिक्योर माइंड क्रिटिकल इलनेस प्लान, एचडीएफसी एर्गो का होम प्रोटेक्शन प्लान और रॉयल सुंदरम का सेफ लोन शील्ड क्रिटिकल इलनेस प्लान है। यहां आईसीआईसी और रॉयल सुंदरम के प्लान बीमारी की स्थिति में, वहीं एचडीएफसी अग्रो होम लोन के लिए कवरेज प्रदान करता है। आप जान लेते हैं कि जॉब लॉस जो होता है वो इंश्योरेंस कवर क्लेम कैसे किया जाता है, कौन ले सकता है इसे। एड ऑन कवर लेते समय मेडिकल कारणों से नौकरी जाने पर भी इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर कंपनी अचानक से बंद हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए तो एड ऑन सर्विस कवर के जरिए ये कवर मिलता है। ध्यान रहे कि अगर होम प्रोटेक्शन प्लान के जरिए जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर सिर्फ 5 साल के लिए ही मान्य होता है, वैलिड होता है। पूरे होम लोन के टेन्योर यानी 20 से 25 साल तक कवर नहीं मिलता। हालांकि विशेषज्ञ इस एड ऑन जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर लेने से बेहतर मानते हैं कि आप खुद ही अपना इमरजेंसी फंड तैयार कर लें। जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर करने के लिए खास नियम जो कानून होते हैं वो लागू होते हैं। ऐसे में कई बार कंपनियां इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। अब जरा जान लेते हैं कि कंपनियां किन लोगों को जॉब लॉस इंश्योरेंस कवर क्लेम नहीं देती हैं। इसमें सबसे पहला वो व्यक्ति होता है जिसका खुद का कारोबार हो या वो पहले से बेरोजगार हो तो कवर क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको खराब प्रदर्शन, फ्रॉड, टर्मिनेट किया गया है या कंपनी से सस्पेंड किया गया है तब भी क्लेम आप नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड में नौकरी जाती है तो भी कवर क्लेम नहीं किया जा सकता। अर्ली वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने की स्थिति में भी कवर नहीं मिलता है। इसके साथ ही पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान एक बार ही क्लेम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर जॉब लॉस हो रही है या आज के सिचुएशन में जॉब की जिस तरह से छटनी हो रही है, ऐसे में अगर आप भी इसके शिकार हैं या होने वाले हैं, आपको ऐसा डर है, तो आप इस तरह की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।